ओके फक भाई, मैं ये कर रहा हूँ कॉलेज टाइम में, आई थिंक सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ठीक है। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, नाम नहीं बोलूंगा ऑब्वियसली, बहुत प्यारी थी वो, अभी भी है, ठीक है। हाँ, गर्लफ्रेंड अभी नहीं है, प्यारी अभी है। तो हुआ ये कि उस टाइम पे ना काफी अच्छी लगती थी, लाइक मैं थोड़ा लाइफ देखने लग गया था उसके साथ, और वो भी देखती थी, रिलेशनशिप चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। वो दूसरे कॉलेज में थी तो मैं मिलने जाता था उससे काफी कुछ, ऐसे बाइक पे बैठ के गर्मी में आधा घंटा, फिर जाके मिलता था उसको कॉलेज में, काफी सही था। उसके बाद ना क्या होता है लड़कियों में ना, थोड़ा पहले शादी वगैरह की बातें होने लग जाती है ना, लड़कियों में होता है। तो उसने बताया कि भाई घर में ऐसा ऐसा सीन है, लड़का वड़का देख रहे हैं उसके लिए, ठीक है। अब एक लड़का है जो पहली बार थोड़े ढंग के रिलेशनशिप में आया, वो ये बात सुने, उसका क्या रिएक्शन होगा भाई? मेरी गांड फट गई थी सही में, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता था उससे उस टाइम। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, ठीक है। तो मैं तो ऐसे हो गया, ये क्या है, ये इतना आउट ऑफ सिलेबस चीज कहां से आ गई, ये कहां से आया भाई? मैं तो सैंडविच खा रहा था, ये बात कहां से आ गई, और ये क्या होता है, ये कोई उम्र है शादी की है सब कुछ? तब तो इतना दिमाग था नहीं, क्योंकि मैं ये सोचा था भाई मेरी शादी ये बात दूर दूर तक नहीं हो रही, इसकी क्यों हो रही है। तो पहले तो मेरे को लगा मजाक कर रही है, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई वो मजाक नहीं कर रही है, वो सीरियस है कि उसके घर वाले ऐसे ऐसे लड़का देख रहे हैं। मेरी तो हालत खराब, ये क्या है अब, क्या ये क्या, ये क्या बात हुई, चीटिंग है? तो उसने बोला भाई मैं मना कर दूंगी सबको, ठीक है। मैं मना करने की बात नहीं है, ये चीज हो क्या रही है, शादी ब्याह की बातें इस टाइम पे सेकंड ईयर में क्या हो रहा है, ये चीज हुई। तो उसके बाद अब भाई मेरी तो जान निकल गई। तो बीच में मेरे ना फितूर चढ़ा, पता नहीं क्यों, कि मैं बात करूंगा तेरे घर वालों से, मैं मनाऊंगा उन्हें। कितना चूतिया था मैं उस टाइम, कि भाई मैं मनाऊंगा, मैं बात करता हूँ। उसने एक लाइन बोली, वो मेरी नहीं सुनते तुम्हारी क्या सुनेंगे। मैं चलो फैक्ट्स भाई, क्या करा जाए। अब फिर मेरे को पता चला कि उसके लिए कोई तो आया था, रिश्ता विश्ता ऐसे बात हो रही थी। वो जो बंदा था जो आया था, ही वॉज रिच एज फक, रिच एज फक, फैमिली मनी, पूरा ऐसे जनरेशनल वेल्थ वाला बंदा वो आया हुआ। और भाई वहां तो आई लॉस्ट ऑल होप कि भाई अब तो क्या करें, ये क्या चीज हो गई, यहाँ तो मैं हार गया, यहाँ तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं उस लड़की की जगह होता, मैं हाँ बोल देता उस रिश्ते को। मैं सो गया भाई, ये क्या चल रहा है, समझ नहीं आया। तो एक बार ना मैं ऐसे अकेले बैठा हुआ था वहाँ पे ग्वालियर में अपने कमरे में, सोच रहा हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है। फिर मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि कोई बाप अपनी बेटी मेरे को क्यों देगा, क्यों, कौन हूँ मैं, है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, एक लड़का हूँ मैं, उसके लिए वो ऐसे अमीर जादे को मना करेंगे? अच्छा, वेरी गुड, जरूर, वेरी पॉसिबल। मेरे को पता था ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उस दिन ना मैंने कसम खाई थी कि भाई मैं ना कुछ बनूंगा। और क्या बनूंगा भाई, मैं ना इंडिया का, यूट्यूब इंडिया का ना बेस्ट एडिटर बनूंगा। मतलब दिमाग भी कहां चल रहा है मेरा, ठीक है, कि मैं बनूंगा भी तो एडिटर बनूंगा बेस्ट, मतलब मेरे को टॉप में पहुंचना है, जनरेशनल वेल्थ के साथ मेरे को कंपीट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, बेस्ट एडिटर बनके यूट्यूब इंडिया का। बट ठीक है, ये आया थॉट कि भाई मैं बेस्ट बन जाऊंगा, पैसे वैसे कमाऊंगा, कुछ स्टैंड तो होगा बोलने के लिए, कुछ बोल तो पाऊंगा मैं। उसके अगले 6-7-8 महीने तक मेरा लैपटॉप था, उससे पहले ना कोई तो सॉफ्टवेयर आता था, कैमटेजिया स्टूडियो करके, उस पे वीडियो एडिट करता था। उस दिन जिस दिन मैंने सोचा ना, तब तो ऐसे इंटरनेट वगैरह भी नहीं था, जियो में पैसे से एक्स्ट्रा रिचार्ज करके मैंने प्रीमियर प्रो डाउनलोड करा था। प्रीमियर प्रो डाउनलोड करके अगले 8 महीने तक हर रोज मैं एक नया इफेक्ट सीखता था, हर रोज इसी उम्मीद में कि भाई मैं बेस्ट एडिटर बनूंगा। ये चीज हुआ, फिर मैंने सीखना शुरू करा। उसके 2-3 महीने बाद आई थी मेरी पहली कंस्पिरेसी थ्योरी, उसके 3-4 महीने बाद एक और आई थी कंस्पिरेसी थ्योरी, उसके थर्ड टाइम बाद एक और कंस्पिरेसी थ्योरी आई थी। तो तुम उन तीनों में ना एडिटिंग डिफरेंस देख सकते हो। तो मेरी एडिटिंग इतनी बढ़िया हो गई थी, उससे मेरा यूट्यूब ग्रो होने लग गया था, उससे मेरा कॉन्टेंट बेटर हो गया था, और बहुत कुछ हो गया था। तो वो जो एक चीज थी, मैं इस चीज को मानता हूँ कि वो जो इंसिडेंट था ना, कि भाई मेरे को बेस्ट एडिटर बनना है, वरना भाई यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं है मेरा इस लड़की के साथ, कि मैं कभी किसी से लड़ ही नहीं सकता यार, मैं हूं कौन, कि कुछ बनना पड़ेगा। उस दिन के वजह से, वो जो एक डिसीजन था ना मेरा, आई थिंक उस एक डिसीजन के वजह से ही ना आज मैं यहाँ बैठा, उस एक डिसीजन की वजह से। तो वो जो मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड है जो मेरे कॉलेज में थी, उसके वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, उसके वजह से, जेन्युइनली उसके वजह से, ठीक है। एंड इट्स वेरी पॉसिबल वो अभी देख रही हो, आई थिंक उसको भी पता होना चाहिए। तो भाई ये स्टोरी थी कि भाई एक बंदी की वजह से मैं यूट्यूबर बन गया।